रेडियो खांची के सभी श्रोताओं को अजयदीप वाधवा का सुप्रभात। आज हम बात करेंगे खुशी पर। हमारा जीवन जीने का ध्येय क्या है, हम जीवन क्यों जीते हैं और अल्टीमेटली जीने का हमारा गोल क्या है। मेरे विचार से खुशी। मुझे 2 या 3 वर्ष पूर्व भूटान जाने का मौका मिला था। आपको मालूम होगा कि भूटान शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जहां जो राष्ट्र की जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसको वो पैसे से नहीं तोलते हैं, वो नेशनल ग्रॉस हैप्पीनेस से तोलते हैं। वो ये देखते हैं कि हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन, हमारे यहाँ की जनता है, वो खुश है या नहीं, और अगर खुश है तो कितनी खुश है। मैं जब भूटान गया, हम लोग वहां पर उस वहां की राजधानी थिम्पू में घूम रहे थे, तो हमें ये पता चला कि रात 9 बजे के बाद सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। हमें एक रेस्टोरेंट में जाना था खाना खाने, तो किसी ने बताया कि अगर 9 बज गए तो आपको किसी रेस्टोरेंट में खाना नहीं मिलेगा। वहाँ 8:30-9 के बाद वो ऑर्डर नहीं लेते हैं, वो 9 बजे किसी भी अवस्था में अपने दुकान को, अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करते हैं और फिर वो घर जाते हैं, ताकि वो घर में अपने परिवार के साथ 1.5 घंटा रात को सोने के पहले बिता पाए। यानी उनके लिए परिवार के साथ समय बिताना, खुश रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है पैसा कमाने से। इसलिए मैंने भूटान में पाया कि वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन नहीं है। अगर हमारी डेफिनेशन से देखा जाए तो वो कई बिजनेस को, वो कस्टमर को त्याग देते हैं या उसका वो उतना बिजनेस को अट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं। उनके साथ उनके लिए महत्वपूर्ण है अपने लिए समय देना। यानी अगर कोई कस्टमर उनके समय में आ जाएगा तो शायद वो उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। जब दुकान खुली है तभी वो कस्टमर को एंटरटेन करेंगे। तो भूटान की जो लोग हैं वो ज्यादा खुश हैं, हंसमुख हैं, इसलिए वहां शायद लोगों का जो जीने की आयु है, जो उनकी एवरेज एज है, वो भी ज्यादा है। हमें भी जीवन में यही संदेश सीखना चाहिए, हमें भी जीवन में यही भूटान से सीखना चाहिए, हमें भी खुश रहना चाहिए। हमें सदैव वो काम करना चाहिए जिससे हमें खुशी मिले। अगर किसी को खेलने में खुशी मिलती है तो खेले, किसी को फिट रहने में खुशी मिलती है तो फिट रहे, अगर किसी को मदद करने में खुशी मिलती है, चैरिटी करने में खुशी मिलती है तो चैरिटी करे, पढ़ने में खुशी मिलती है तो पढ़े। पर हमारे आजकल क्या हो गया, हमारे देश में लोगों का लक्ष्य मेरे ख्याल से थोड़ा दिग्भ्रमित हो गया। हम लोग सोचते हैं कि पैसा आएगा तो खुशी आ जाएगी। मेरे विचार से ऐसा नहीं है। कल ही मेरे एक दोस्त की मृत्यु हो गई। उसके रिटायरमेंट में 1 महीना बाकी था और पिछले 3-4 महीने से वो कह रहा था कि उसने रांची से उसके जब ट्रांसफर दूसरी कंपनी में, दूसरी शहर में हो गई, तो कह रहा था कि वो वहां पर उसने काफी तकलीफ सही, और बोला कि अब वो 5-5.5 साल के बाद अब वो अपने शहर वापस आने वाला है, अगले महीने रिटायर करने वाला है। उसने अच्छा पैसा कमा लिया है, अब वो लोगों के साथ रहेगा, क्लब जाएगा, घूमेगा, पुराने बचपन के दोस्तों से रांची मिलेगा, खुश रहेगा। पर उसके रिटायरमेंट के ठीक 1 महीना पहले कल उसकी दुखद मृत्यु हो गई। हम लोग सोचते हैं कि पैसा कमाएंगे उसके बाद हम खुश होंगे। हमें ये नहीं पता है कि पैसा कमाने के, जब पैसा कमाएंगे हम तो उतने दिन हम जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आपने एक पिक्चर देखी होगी, जिंदगी ना मिले दोबारा, उसमें एक कलाकार है ऋतिक रोशन, वो बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं खूब पैसा कमाऊं, मैं इसलिए खूब दिन रात पैसा कमाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं 40 वर्ष की उम्र तक पैसा कमाऊं और उसके बाद जीवन को जीऊं, उसके बाद खुश रहूं, वो काम करूं जिसमें मेरा दिल लगता है। तो फिल्म की नायिका उससे पूछती है कि इसका मतलब तुमको पता है कि तुम एटलीस्ट 40 साल तक तो जिंदा रहोगे ही, और यहाँ पर नायक के पास कुछ जवाब नहीं होता। हम लोग से बहुत लोग बोलते हैं कि अगले 10 साल तक बहुत पैसा कमाएंगे, उसके बाद फिर उन पैसों को यूज करके खुशियां बटोरेंगे। ये क्या गारंटी है कि अगले 10 साल तक आप जीवित ही रहेंगे। मैंने ऐसे कई लोगों को पाया है जिन्होंने अंधाधुंध पैसा कमाने की कोशिश की कि जब वो रिटायर हो जाएंगे तो जीवन जिएंगे, पर अंधाधुंध पैसा कमाने की कोशिश में उन्होंने कई बीमारियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उनको हार्ट अटैक हो गया, कई लोगों को तो अजीब अजीब बीमारियां हो गई, और फिर वो इस अवस्था में नहीं रहे, ना उनके पैर काम करते थे, ना हाथ काम करते थे, दिमाग काम करता था, वो इस अवस्था में नहीं रहे कि जो पैसा उन्होंने कमाया था वो उसको वो उपभोग कर सके। अल्टीमेटली उनका पैसा उनके रिश्तेदार, उनके बच्चे उपभोग कर रहे हैं। तो आइए हम लोग जीवन में एक निर्णय लें कि हम वो काम करें जिससे हमें खुशी मिलती है। हमें जिस काम में खुशी मिलती है हम वो काम करें। मनुष्य के जीने का टारगेट पैसा कमाना नहीं है, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य अपने आप को खुश रखना है। हम अपने आप को खुश रखेंगे तो हमारा परिवार खुश रहेगा, अगल बगल के लोग खुश रहेंगे, हमारा समाज खुश रहेगा, और निश्चित रूप से हमारे जीवन में खुशी आएगी और हम एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। नमस्कार।